संघर्ष में कई बार लाठियां मिलती है, मुकदमे मिलती है। यदि हमारी मांगे नहीं मानी जाती तो हम चुनाव है, हम वोट की चोट भी करेंगे क्योंकि हम हार मानने वाले नहीं है। किन मांगों को लेकर आए हैं और क्या निष्कर्ष निकला? पहले भी आपने ज्ञापन दिया था, अब भी आपको आश्वासन दिया, आज भी आश्वासन लेके आए हो आप? देखो, लगातार हम संघर्ष कर रहे हैं। संघर्ष में कई बार लाठियां मिलती है, मुकदमे मिलते हैं, लेकिन हमारा संघर्ष नहीं रुका है। हम मांग कर रहे हैं कि वरिष्ठ अध्यापक भर्ती का परिणाम जारी हो, जिसकी एग्जाम जनवरी में हुई थी, सीडी का परिणाम जारी हो, स्कूल व्याख्या भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी हो, तत्काल आचार्य सीता से पहले इनको ज्वाइनिंग मिले, और जो कॉलेज शिक्षा में जो पीटीआई लाइब्रेरियन की विज्ञप्ति जारी हो, और अन्य कई मांगों को लेकर मुलाकात की है। आरपीएससी के नवनियुक्त सचिव साहब से मुलाकात हुई है, मुख्य परीक्षा नियंत्रक से मुलाकात हुई है, उन्होंने विश्वास दिया है कि वरिष्ठ अध्यापक भर्ती का परिणाम अगले वीक में जारी करने का आश्वासन दिया है, और जो अगस्त के प्रारंभ में जो कॉलेज शिक्षा की पीटीआई लाइब्रेरियन की विज्ञप्ति भी जारी होगी, और स्कूल व्याख्या के परिणाम जो 20 विषय के परिणाम भी जल्द से जल्द जारी करने का आश्वासन दिया है। उम्मीद करते हैं जिस प्रकार आरपीएससी की छवि खराब हुई है, भर्ती परीक्षाओं के परिणाम अटके हैं, भर्तियां अटकी हैं, तो उसको पास तेज गति से काम करने काम करेंगे। जो आरपीएससी के सचिव को नियुक्त किया गया है अच्छे हैं, उन्होंने डीओपी में काम किया है। उम्मीद करते हैं कि ईमानदारी से काम करके एक बार जो अविश्वास युवाओं में उत्पन्न हुआ उसको विश्वास को जीतने में वो एक कायम स्थापित करेंगे, और यदि हमारी मांगे नहीं मानी जाती तो हम चुनाव है, हम वोट की चोट भी करेंगे क्योंकि हम हार मानने वाले नहीं है, क्योंकि इस समय युवाओं का बड़ा रोल होगा, जीत की चाबी युवाओं के पास होगी।